हेलो एवरीवन, मैं हूं तनुष्का और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल तनुष्का ग्रीन्स पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमारे साथ है एक सुंदर सा फर्न। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वो सारे टिप्स जो कि हमें फर्न की केयर के लिए रिक्वायर्ड है और हमें फर्न के लिए क्या क्या करना होता है, किस समय पर किस तरह की इसे मिट्टी सनलाइट पानी सब कुछ चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए ताकि आप कोई भी टिप्स को मिस नहीं कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिट्टी के बारे में, फर्न को किस तरह की सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्न को जिस तरह की सॉइल चाहिए उसमें हमें चाहिए थोड़ा सा कोकोपीट और कुछ पोरस सॉइल, और साथ में हमें चाहिए कुछ वर्मी कंपोस्ट, हम खाद डाल सकते हैं या फिर गोबर की खाद यूज कर सकते हैं। माइल्ड हम लोग फर्टिलाइजर यूज करेंगे उसमें और कोई बहुत ज्यादा हार्श फर्टिलाइजर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मिट्टी में ये अच्छे से पनपेगा। जो सॉइल है वो सॉगी नहीं होनी चाहिए, मॉइस्ट सॉइल इसे पसंद है, नमी वाली सॉइल पसंद है, लेकिन सॉगी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा वाटर रिटेन करके रखने वाली नहीं होनी चाहिए। बेटर होगा कि आप जो है इसकी मिट्टी के ऊपर कोई और चीज की लेयरिंग कर दे, जैसे कि कुछ हम लोग स्टोन रख सकते हैं या फिर कुछ लीव्स या इस तरह के कोकोनट शेल से लेयरिंग कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि इसकी जो मिट्टी है वो नमी को अपने अंदर पकड़ के रखेगी और नमी को उड़ने नहीं देगी, और इस तरह से इसे मॉइस्ट सॉइल का जो एनवायरमेंट है वो मिलता रहेगा, और इस तरह से लेयरिंग आप लोग इसके ऊपर जरूर करें। अब बात कर लेते हैं पॉट के बारे में कि जो फर्न है उसे किस तरह का पॉट चाहिए। तो फर्न एक बहुत ही अलग तरीके का प्लांट है, इसकी जो रूट्स होती है बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है, और इसलिए हमें कोई जो टॉल पॉट है वो नहीं लेना है, उसकी हाइट नहीं होनी चाहिए, हमें वाइड पॉट लेना है, चौड़ाई में पॉट लेंगे ताकि जो उसकी रूट्स है वो इधर उधर चौड़ाई में फैल सकें और जो उसमें से नई ब्रांचेस है वो निकल सकें और इस तरीके से ये फैल जाए। अगर हम लोग उसका जो पॉट है वो लंबा रखेंगे, ऊंचा रखेंगे, तो नीचे का जो पार्ट है उसका पोर्शन है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत बड़ा पॉट हम अगर लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा फर्न जो है वो काफी ग्रो करे और बढ़े, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि पॉट हमेशा वाइड ले, चौड़ा हो, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर किसी भी शेप का ले सकते हैं, लेकिन हम लोग पॉट को बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं रखेंगे। पॉट के अंदर ड्रेनेज होल का होना बहुत जरूरी है, बिना ड्रेनेज होल के इसके अंदर पानी जो है खड़ा रहेगा और रूट्स रॉट हो जाएंगी, तो ड्रेनेज होल का हमें प्रॉपर ध्यान रखना है, और पानी जब भी हम लोग इसमें डालते हैं तो वो पूरा का पूरा जो है ड्रेन हो जाना चाहिए एक्स्ट्रा वाटर। अब हम बात कर लेते हैं वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में। फर्न की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो आपको खुद से जज करना होगा कि आपके फर्न को कब किस समय पे पानी चाहिए, क्योंकि ये प्लांट एक ट्रॉपिकल प्लांट है और इसे ह्यूमिड एनवायरनमेंट पसंद है। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में है, किसी ऐसे सिटी में है स्पेशली जहां पर ड्राई मौसम रहता है, वेदर रहता है, तो आपको हो सकता है कि इसमें डेली वाटरिंग करनी पड़े, और अगर आप किसी ह्यूमिड एरिया में रहते हैं तो हो सकता है कि आपको वीक में एक बार पानी देना पड़े। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसकी सॉइल को रेगुलरली चेक करते रहना होगा। जब आपको लगता है कि टॉप सॉइल बिल्कुल ही ड्राई हो गई है तो इसमें पानी दें, और अगर आपको लगता है कि अभी सॉइल मॉइस्ट है तो उसमें पानी की जरूरत नहीं है। तो अपने प्लांट के साथ रहते रहते आपको उसकी आदतों के बारे में भी पता चल जाएगा, तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग ये देखें कि इसे कब और कितने पानी की जरूरत। अब बात आती है सनलाइट की। सनलाइट जो फर्न को, डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, इसे ब्राइट लाइट चाहिए, लेकिन इसे अगर हम लोग डायरेक्टली सनलाइट में रख देंगे तो इसके जो लीव्स के कॉर्नर्स हैं वो इस तरीके से ब्राउन हो जाएंगे, इसकी टिप्स ब्राउन हो जाएंगी और जो पत्तियां हैं वो सूख के पीली पड़ के और मरने लगेंगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फर्न को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, फिल्टर सनलाइट इसे चाहिए, तो हल्की धूप है या फिर ऐसी जगह में जहाँ पे ब्राइट लाइट, इसको डे लाइट मिलती है लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलनी चाहिए, तो इसे शेड में रखेंगे। अगर घर के अंदर आपने इंडोर में रखा है तो इसे कर्टन्स के पास, विंडो के पास रखिए ताकि वहां से छनती हुई धूप इसे मिलती रहे, तो ये बहुत अच्छे से ग्रीन रहेगा। इसके बाद बात आती है प्रोपेगेशन की। फर्न के प्रोपेगेशन का बेस्ट जो टाइम है वो है स्प्रिंग सीजन, और अगर आप स्प्रिंग सीजन मिस कर देते हैं तो फिर रेनी सीजन।
प्रोपेगेशन के लिए आप इसकी किसी भी एक ब्रांच को भी ले सकते हैं। हर एक जो ब्रांच है वो रूट से जुड़ी हुई है, और जब आप उसे निकालेंगे खोद के या काट के, तो उसे ऊपर से नहीं काटना है, उसको रूट के साथ में हमें मिट्टी के अंदर से खोदते हुए निकालना है, ताकि उसकी जो रूट का थोड़ा सा पार्ट उसके साथ में आए, और तब आप उसे दूसरी जगह पे शिफ्ट करें, तब ये अच्छे से चल पाएगा। अगर आप ऊपर से ही इसको बिल्कुल यहाँ से कट करके लगा देंगे तो इसकी ऐसी कटिंग जो है वो नहीं लगेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चाहे आप ब्रांच लेते हैं, तो आप चाहे एक ब्रांच लें, लेकिन उसकी रूट साथ में आनी चाहिए। इसकी सभी जो ब्रांचेस होती हैं वो रूट से जुड़ी हुई होती है, इसका एक कोई पर्टिकुलर स्टेम नहीं होता है जिसके साथ ये जुड़ी होती है, ये सब अपने आप में रूट्स के साथ ही निकलती है। और लास्ट में एक प्रो टिप, जो फर्न प्लांट है, इससे ह्यूमिड एनवायरनमेंट पसंद है, और अगर हमें इसे इंडोर में रखा है तो टाइम टू टाइम इसकी मिस्टिंग करते रहिए, यानी कि पानी इसके आसपास स्प्रे करते रहिए, उससे इसकी जो लीव्स है और भी हेल्दी, सुंदर और लश ग्रीन दिखेंगी। मिस्टिंग से इसे बहुत फायदा होगा। हमें कई बार ऐसे लगता है कि हम लोग मिस्टिंग सिर्फ क्लीनिंग के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। क्लीनिंग भी आप करिए पानी स्प्रे करके, और मिस्टिंग से इसके जो हेल्थ है वो भी अच्छी बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं रीपॉटिंग के बारे में। फर्न की हमें रीपॉटिंग बार बार नहीं करनी है, 2 साल में एक बार हम लोग इसे रीपॉट कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगर हम चाहते हैं कि ये और ज़्यादा फैले तो इसे हम लोग एक्स्ट्रा, इसकी जो रूट्स वैसे तो ज़्यादा फैलती नहीं है, लेकिन अगर छोटा पॉट हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से अगर रूट्स का जाल बन गया उनको काट के हम लोग इसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। और जैसे कि हम पॉट के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि वाइड पॉट लेंगे, और जितनी बार भी हम लोग इसकी रीपॉटिंग करेंगे और जो 1 या 2 इंच वाइडर पॉट यूज करेंगे। तो ये थी फर्न से जुड़ी हुई सभी बातें। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।